गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जिसमें एकदम सिंपल देखा था हमने कि किसी कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, किसी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है और उस फोर्स की वजह से वो कॉइल रोटेट होती है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, कोई एक फोर्स एक्ट होगा और फोर्स की वजह से वो कॉइल रोटेट होंगी, वो कॉइल क्या होंगी, रोटेट होंगी। इसी प्रिंसिपल पे हमने इलेक्ट्रिक मोटर देखा है। क्लियर है? सो अभी नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस। ये एक सेंसिटिव डिवाइस है जो किसी सर्किट के करंट को सेंस करता है, मतलब हमको बताएगा कि उस सर्किट में करंट है या नहीं है, किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का, गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट, गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव डिवाइस मतलब ये किसी एक पैरामीटर को सेंस करेगा और बताएगा क्या वो पैरामीटर वहां प्रेजेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, क्या किसी कंडक्टर में करंट प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर का हम यूज करेंगे। सो पहला ही पॉइंट, गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस विच वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो गैल्वेनोमीटर है ये सेम इलेक्ट्रिक मोटर का जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि भी इलेक्ट्रिक मोटर किस पे वर्क करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल मैंने बताया कि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्ट होगा और फोर्स की वजह से वो कॉइल क्या होती है, रोटेट होती है। तो इसी प्रिंसिपल पे ये गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल विच वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का देखा हमने कि करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, अगर उसमें से करंट फ्लो होगा तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा और फोर्स की वजह से वो क्या होंगी, रोटेट होंगी। तो यही प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। सो सबसे पहला पॉइंट, गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, किसी पैरामीटर को सेंस करता है, मतलब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर का यूज होगा। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम इलेक्ट्रिक मोटर जैसा है। इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है कि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है और उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो रोटेट होती है, उस पर फोर्स एक्ट होता है जिसकी वजह से वो रोटेट होती है। सो सेम इसी प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट पॉइंट, गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस विच वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जिसके कंस्ट्रक्शन में हम बताएंगे कि एक कॉइल है, ये क्या एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल को, कॉइल इज प्लेस, इस कॉइल को हमने दो मैग्नेटिक पोल, दो पोल पीस के बीच में रख दिया। अ कॉइल इज प्लेस बिटवीन टू पोल पीस ऑफ मैग्नेट, दो मैग्नेट के बीच में इस कॉइल को हमने रख दिया। ठीक है, तो जैसे ही इस कॉइल से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, तो इस पे फोर्स एक्ट होता है जिसकी वजह से ये कॉइल क्या होंगी, रोटेट होंगी, और इसी कॉइल को क्या कनेक्ट है, एक पॉइंटर कनेक्ट है। देखो रेड कलर का एक पॉइंटर कनेक्ट है। सो जब करंट फ्लो होगा तो कॉइल रोटेट होंगी, और कॉइल रोटेट होंगी तो कॉइल के साथ क्या होगा, ये पॉइंटर भी रोटेट होगा, ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करेगा,
ये पॉइंट क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो किसी सर्किट के कंडक्टर को हम अगर यहां कनेक्ट कर देते हैं और अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो ये कॉइल रोटेट होंगी, और कॉइल रोटेट होंगी तो कॉइल से ये पॉइंटर कनेक्ट है तो पॉइंटर भी क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो पॉइंटर अगर जीरो पे है मतलब उस पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और पॉइंटर थोड़ा भी डिफ्लेक्ट हुआ मतलब इस कॉइल से करंट पास हो रहा है। पॉइंटर ने अगर डिफ्लेक्शन शो किया मतलब इस कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर? सो इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कॉइल इज प्लेस, कॉइल इज प्लेस बिटवीन टू पोल पीस ऑफ मैग्नेट। कॉइल को हमने दो मैग्नेट के बीच में रख दिया। कॉइल इज प्लेस बिटवीन टू पोल पीस ऑफ मैग्नेट इन सच वे दैट, इन सच वे दैट पॉइंटर पॉइंटर ऑन गैलोनोमीटर कनेक्ट टू इट, पॉइंटर ऑन गैलोनोमीटर कनेक्ट टू इट। एक कॉइल को दो मैग्नेट के बीच में रख दिया, ठीक है, ऐसे रखा कि उस कॉइल से पॉइंटर भी एक जो पॉइंटर है वो पॉइंटर भी उस कॉइल को कनेक्ट है। मतलब अगर कॉइल रोटेट होंगी तो पॉइंटर भी रोटेट होगा, अगर ये कॉइल जो है ये कॉइल अगर रोटेट होंगी तो पॉइंटर भी क्या होगा, रोटेट होगा। सो देखो हम देख रहे हैं गैलोनोमीटर, एक गैलोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, एक सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव डिवाइस है मतलब वो सेंस करता है, ठीक है, किसी सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है ये सेंस करता है। मतलब अगर सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है तो इसका पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, पॉइंटर शो डिफ्लेक्शन अगर करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा तो वो एट इट इज जीरो पे रहेगा, ठीक है, सेंटर में रहेगा, जीरो पे रहेगा। बट अगर सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जीरो से किस साइड में रोटेट हो रहा है वो करंट की डायरेक्शन बताएंगी। क्लियर? सो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम इलेक्ट्रिक मोटर जैसा है, जिसमें एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल को दो मैग्नेट के बीच में रखा है और इसी कॉइल को एक पॉइंटर कनेक्ट है, जो पॉइंटर क्या करेगा, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो कॉइल इज प्लेस बिटवीन टू पोल पीस ऑफ मैग्नेट इन सच वे दैट पॉइंटर ऑन गैलोमीटर कनेक्ट टू इट, इसी कॉइल को एक पॉइंटर भी कनेक्ट है, ठीक है। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू कॉइल, when small amount of current flow through coil, जब इस कॉइल से कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो होगा तो किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है और वो जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा जिसकी वजह से वो कॉइल रोटेट होंगी, जिसकी वजह से वो कॉइल क्या होंगी, रोटेट होंगी। सो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, कॉइल रोटेट एंड पॉइंटर शो डिफ्लेक्शन। अगर इस कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, कॉइल रोटेट होगी। तो कॉइल रोटेट हो रही है तो कॉइल से पॉइंटर कनेक्ट है, तो पॉइंटर कनेक्ट है तो फिर वो पॉइंटर भी क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। और करंट नहीं फ्लो कर, अगर उससे करंट फ्लो हो रहा तो डिफ्लेक्शन, करंट नहीं फ्लो हो रहा तो एज इट इज वो सेंटर पे रहेगा। क्लियर बेटा? रीड कर लो इसको, गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम एज ए इलेक्ट्रिक मोटर जैसा है, जिसमें सिंपल एक कॉइल है, कॉइल को दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है, ठीक है, इसी कॉइल से एक पॉइंटर कनेक्ट किया गया है। जब भी इस कॉइल से करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि कॉइल रोटेट होंगी, उस पर एक फोर्स एक्ट होगा जिसकी वजह से कॉइल रोटेट होंगी,
और कॉइल रोटेट होंगी तो उससे पॉइंटर कनेक्ट है तो पॉइंटर भी क्या होगा, रोटेट होगा, मतलब डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो किसी सर्किट में करंट है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम सिंपल उस कंडक्टर के दो पॉइंट यहां कनेक्ट कर देंगे। अगर यहां पे डिफ्लेक्शन शो किया मतलब करंट फ्लो हो रहा, और डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है मतलब उस सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब यहां पे इस डिवाइस का हम करंट को सेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये एक सेंसिटिव डिवाइस हो गया है। क्लियर है बेटा? देख लो, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एक छोटा सा फिर से एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट एकदम सिंपल है, एक एक्टिविटी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, सिंपल, एक मैग्नेट है, एक सिंपल सा क्या है, मैग्नेट। ये क्या है, एक मैग्नेट, ठीक है, और दो स्टैंड है, ठीक है, ये एक स्टैंड और ये दूसरा स्टैंड, और ये दोनों के बीच में मैं क्या कर रहा हूं, एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया। क्या किया मैंने, एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल सा। ये दो स्टैंड, ये स्टैंड पे मैंने एक कंडक्टिंग वायर रख दिया, एक मेटल का वायर रख दिया, और बीच में मैं एक मैग्नेट रख दे रहा हूं। बीच में क्या रख रहा हूं, मैं एक मैग्नेट रख रहा हूं। मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से ये मैग्नेट के आसपास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और एक सिंपल सा कंडक्टिंग मेटल वायर रख दिया है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इस कंडक्टर के मेटल वायर के जो दो एंड है, इसके जो दो एंड है, ये दो एंड जो है वो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं, सिंपल गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर अभी देखा हमने, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर में एक ये मीटर स्केल है, ठीक है, और ये हमारा एक पॉइंटर है, पॉइंटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, अभी हमने जो एक गैल्वेनोमीटर देखा वो गैल्वेनोमीटर को क्या किया, एक सिंपल ये मेटल वायर, ये जो है मेटल वायर है, ठीक है, ये मेटल वायर को एक स्टैंड से कनेक्ट कर दिया, और ये मेटल वायर जो है ये गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। मतलब अब इस वायर से अगर करंट है, इससे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पर हमको डिफ्लेक्शन दिखेगा, और करंट नहीं है तो ये बराबर जीरो पे रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहां पे, ये जो मेटल वायर है इस मेटल वायर को रोटेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पकड़ लो, ये एक स्टैंड है, ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट है, और ये जो है ये मेटल वायर, ये क्या है हमारी मेटल वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, देख लो, ये मैग्नेट और ये मेटल वायर, इस वायर को क्या कर रहा हूं, मैग्नेट के आसपास मूव कर रहा हूं, मैग्नेट वायर को क्या कर रहा हूं, मैग्नेट के पास ऐसा मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो इस मैग्नेट को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, सो ये पहले की इसकी पोजीशन सपोज ए और ये पोजीशन बी। सो ए पोजीशन से बी पोजीशन में क्या कर रहा हूं, इस मेटल वायर को क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट सपोज मेरा और ये मेरा वायर, तो ये वायर को क्या कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर को मूव कर रहे हैं।
सो किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो उसके मोमेंट की वजह से, उसकी रोटेशन की वजह से उसमें करंट इंड्यूस होता है, और वो करंट की वजह से यहां पे गैल्वेनोमीटर हमको डिफ्लेक्शन शो करेगा। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम, जिसमें मैंने क्या किया कि एक स्टैंड पे एक मेटल वायर लिया, ठीक है, और एक मैग्नेट रख दिया, और मेटल वायर के जो दो एंड है वो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिए। क्यों कनेक्ट किए? क्योंकि अगर इस मेटल वायर से करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर हमको बता देगा, डिफ्लेक्शन शो करके गैल्वेनोमीटर बता देगा कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और एक बीच में मैग्नेट रख दिया, अब मैग्नेट रख दिया और इस मेटल वायर को क्या कर रहा हूं मैं, रोटेट कर रहा हूं, उसके मूव कर रहा हूं। सो अगर कंडक्टर मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कंडक्टर मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट इंड्यूस हो जाएगा इस मेटल वायर में, करंट जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट जनरेट हो जाएगा, और करंट जनरेट होने की वजह से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसी कंसेप्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता हूं, मूव करता हूं, तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। क्लियर? सो एक छोटा सा कंसेप्ट है, इफ करंट इज मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, इफ कंडक्टर इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इफ कंडक्टर इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट इंड्यूस, करंट इंड्यूस इन कॉइल, इन मेटेलिक कंडक्टर, करंट इंड्यूस इन कंडक्टर और दिस मेटल वायर। क्लियर? तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं मैग्नेट मतलब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई कंडक्टर को मूव करता हूं, तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। इसी कंसेप्ट को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस कंडक्टर को पकड़ लिया, ये मैग्नेट है, अभी इसको क्या किया मैंने, इसे रोटेट किया, मेटल वायर को क्या किया मैंने, रोटेट किया। सो ये जो मेटल वायर है, ये जो कंडक्टर है, इसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को क्या करेगा, कट करेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को चेंज करेगा, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होने की वजह से इस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो बताएगा कि अब इस कंडक्टर में करंट जनरेट हो गया है। क्लियर? So, देखो, मूव करने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी, मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गई, मूव करने की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गई। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से आप याद रखो कि किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं, तो उस कंडक्टर में करंट जनरेट हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? फिर से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, ये पहला एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट बुक का। फिर से एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट लेते हैं, सिंपल एक कॉइल है, एक रेक्टेंगल कॉइल है, ठीक है। पहले सिंपल एक वायर लिया, मेटल वायर लिया, अब मैं एक कॉइल लेता हूं, ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉपर की सपोज कॉइल है। अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया सिंपल गैल्वेनोमीटर से, किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में ये हो गया गैल्वेनोमीटर, एक कॉइल, कॉइल के दो एंड मैंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिए। गैल्वेनोमीटर को क्यों कनेक्ट किया, क्यों उस कॉइल से अगर करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर हमको बता देगा कि भाई इस
कॉइल में करंट जनरेट हो गया है, क्लियर। सो इस कॉइल के दो एंड मैंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिए, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने की वजह से अगर अब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये गैल्वेनोमीटर हमको बता देगा, क्लियर। और इसी कॉइल के पास मैंने एक सोलेनोइड कॉइल रखी, एक सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में, उसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। सोलेनोइड कॉइल सिंपल कॉपर की वायर को क्या करो, वाउंड करो इन द लूप ऑफ चैन, ठीक है, और उसके दो एंड को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दो, किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दो, ठीक है। सोलेनोइड कॉइल को किसी बैटरी या सेल से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, और बैटरी या सेल को अगर मैं ऑन कर देता हूं तो इसमें से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, उसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मतलब ये काम किसके जैसे कर रहा है, ये सिंपल मैग्नेट जैसा काम कर रहा है। हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सोलेनोइड कॉइल जो है वो सिंपल एक मैग्नेट जैसा काम करता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका एक एंड नॉर्थ पोल हो जाता है और एक एंड साउथ पोल, और इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। So, देखो सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में मैं क्या कर रहा हूं, दो चीजें ले रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहा हूं, कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दे रहा हूं, और दूसरे साइड में एक सोलेनोइड कॉइल ले रहा हूं, सोलेनोइड कॉइल को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा यहां से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो सोलेनोइड कॉइल के अक्रॉस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सो जैसे ही अगर हमने इस सोलेनोइड कॉइल को करंट दे दिया तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, मतलब इन शॉर्ट ये हमारा एक बार मैग्नेट बन गया, ये एक हमारा मैग्नेट बन गया। इन शॉर्ट ये जो सोलेनोइड कॉइल है ये हमारा बार मैग्नेट बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इस कॉइल को क्या करता हूं, रोटेट करता हूं, सपोज ये मेरी सोलेनोइड कॉइल है और ये मेरी कॉइल, तो सोलेनोइड को उसकी जगह पे रखते और ये कॉइल को ऐसे ऐसे रोटेट करते, ठीक है। तो अगर इस कॉइल को इस सोलेनोइड के पास अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूं, इसको क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में अगर इसको हम रोटेट करते हैं, इस कॉइल को पकड़ के इधर आगे पीछे ऐसे रोटेट करते हैं, तो भी इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, और कॉइल में करंट इंड्यूस होने की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इफ कॉइल इज मूविंग, इफ कॉइल इज मूविंग अराउंड सोलेनोइड कॉइल देन करंट इंड्यूस इन इट, देन करंट इंड्यूस इन इट, देन करंट इंड्यूस इन इट। इस कॉइल को अगर मैं इस सोलेनोइड के आसपास क्या करता हूं, ये सपोज फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ो, ये जो हैंड है मेरा सोलेनोइड कॉइल है, ठीक है, और ये हमारी सिंपल रेक्टेंगुलर कॉइल। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैं इस सोलेनोइड के पास आसपास ऐसे ऐसे आगे पीछे रोटेट करता हूं, तो क्या करेंगे ये कॉइल, इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स, इसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करेगा, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करने की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, जैसा पिछले एक्सपेरिमेंट में हुआ था। So, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कंडक्टर को मूव कर रहा हूं तो इस कंडक्टर में करंट जनरेट हो जाएगा, इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर हम ऐसा भी, ये फर्स्ट हो गया, या फिर इसमें हम सेकेंड ऐसा करते हैं कि कॉइल को स्टेशनर रखते हैं और इस सोलेनोइड को, इस कॉइल को एक ही जगह रखते हैं और सोलेनोइड को रोटेट करता हूं मैं, क्या करता हूं, ये सोलेनोइड कॉइल और ये हमारी सिंपल रेक्टेंगुलर कॉइल, अब रेक्टेंगुलर कॉइल को जगह पे रखते और ये सोलेनोइड को रोटेट करते, तो भी इसमें करंट जनरेट हो जाएगा, तो भी क्या होगा, इसमें करंट जनरेट हो जाएगा। सो किसी कंडक्टर को, किसी कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं,
अब ये दो तीन एक्सपेरिमेंट देखने से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि किसी कॉइल को, किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेट है तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी कंडक्टर को या कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं, रोटेट करता हूं, तो इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को, इसी प्रिंसिपल को फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बोलेंगे। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। सो इन शॉर्ट में लिखता हूं, सेकेंड पॉइंट तो उसका यही है सिंपल, कि कॉइल को स्टेशनरी रखो और सोलेनोइड को रोटेट करो तो भी कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारा, इसी का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन निकाला फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, इफ कॉइल और कंडक्टर इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी कॉइल या कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं, देन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू कॉइल और कंडक्टर चेंजेस and current induced in coil or conductor. So, concept को पढ़ना है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट देखे जिसका कंक्लूजन ये निकला कि किसी कॉइल को या किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अक्रॉस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगे, और वो क्या करेंगे, उस कंडक्टर में जो जा रहा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वो चेंज होंगे, और उसको चेंज होने की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। तो किसी कंडक्टर या कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता हूं, मूव करता हूं, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो पासिंग थ्रू इस कॉइल या कंडक्टर वो चेंज होते हैं, और उसकी वजह से इस कॉइल में करंट जनरेट होता है, करंट इंड्यूस होता है। इसी कंसेप्ट को हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बोलेंगे, इसी कंसेप्ट को हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बोलेंगे। सेम इसी प्रिंसिपल पे हम एक और जैसे इलेक्ट्रिक मोटर बनाई थी, अब ऐसे इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाएंगे। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, किसी कॉइल को या किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, और इस कंडक्टर या कॉइल को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं, तो जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बोलेंगे, इसी कंसेप्ट को हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बोलेंगे। क्लियर? देख लो इसको,
सॉरी बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो ऑडियो है वो लैग हो रहा था, आ नहीं रहा था। ठीक है, फिर से मैं इस टॉपिक को रिपीट करता हूँ। हमने देखा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कंडक्टर को मूव करता हूँ तो इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है, करंट जनरेट होता है, और इस करंट जो जनरेट हो रहा है वो करंट के दो टाइप है, एक डीसी करंट और एक एसी करंट। इस डीसी करंट को हम डायरेक्ट करंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट बोलेंगे, और एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। क्लियर। सो डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, और जो एसी करंट है वो एसी करंट फ्लो होता है इन पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर मतलब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक फिक्स इंटरवल पे क्या होती है, चेंज होती रहती है। क्लियर। सेकंड, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, उसकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंट होती है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज होती रहती है। क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन, इस मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, सो इट इज नॉट ऑक्सिलेटरी इन नेचर, और ये जो है इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो ये क्या होता है, ऑक्सिलेट करता है, सो इट इज ऑक्सिलेटरी इन नेचर। सो इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जीरो, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है। इंडिया में इसकी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल बनती है इसकी। ठीक है, एक सेकेंड में 50 साइकिल बनती है, इसीलिए एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। हमारे इंडिया में इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। क्लियर। सो आज देखा हमने करंट के दो टाइप, डीसी करंट और एसी करंट। क्लियर। सो जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। सो इसी कंसेप्ट पे बेस पे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर है बेटा। ओके, थैंक यू।